गदाधर भट्ट गोस्वामी की तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में वाणी को पवित्र करने के लिए किंचित मात्र दिग्दर्शन करने की प्रयास कर रहे हैं। तत्कालीन इतिहास बहुत दुर्बल था, जिस कारण हमारे आचार्यों के या तत्कालीन जो बड़े बड़े संत थे उनके जीवन चरित की विस्तृत रूप से विशेष कुछ वर्णन मिलता नहीं है। कहीं कहीं अल्पकथा में जो मिल जाता है, प्राप्त होता है, वही हमारे लिए एक आश्चर्य की विषय है। गदाधर भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में जन्म ग्रहण किए हैं, दक्षिणत्य ब्राह्मण है, बचपन से ही बड़े विद्वान है। और उनमें विशेषता थी ऐसे कि इतना कवित्व, उनमें लिखनी शक्ति इतनी सुंदर, जो भी कुछ वर्णन करते वो जैसे प्राणजल और बड़े मनोहर ऐसे हो जाता था। वो उनके वाणी, उनकी लिखनी श्रवण मात्र से ही हृदय पुलकित हो जाती थी। ऐसे उनकी लिखनी में एक दिव्य शक्ति, कभी कभी कोई कोई ऐसे हैं, सबके लिए ऐसे नहीं, कोई भगवत शक्ति प्राप्त ऐसे हैं जो किसी की कथा में शक्ति है, कथा तो बहुत होती है लेकिन सब कथा थोड़ी मनोज्ञ होता है। कभी कभी सुनते हैं, हाँ बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, आप कथा कब समाप्त होगी, फिर हमको जाना है, कोई ऐसे कुछ परिवर्तन नहीं है ना। और किसी किसी के कथा ऐसे मधुर, ऐसे मनोज्ञ कि चित्त को हरण करने में समर्थ हो, एक एक शब्द। अभी तो कथाकार बहुत है लेकिन तत्वज्ञ होना चाहिए। कथा ऐसे, हरी कथा ऐसे थोड़ी होती है, अनुभव विहीन, केवल मात्र शब्द प्रयोग के द्वारा सबके चित्त आकर्षण करके उनके भीतर चेतना शक्ति को जगाना, ये सबके द्वारा संभव थोड़ी है। ये परतत्व विषय अनुभव वेद्य कृपा साध्य भगवत कृपा से जो उस तत्व को अनुभव करने में समर्थ होते हैं, उनकी श्रमिक से जो हरि कथा मृत उद्गार होती है, वो कथा बड़े मनोज्ञ होता है। क्यों, वो दृष्टा है ना, अनुभवी है, प्रेमी है। कथा तो बहुत होती है, हो रहा है और होगी, अनादिकाल से चल रहा है हरि कथा, वही कथा, वही भगवत कथा बहुत बार सुने हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे, वही भगवत कथा। लेकिन किसका मुख से ऐसे श्रवण करते हैं जैसे कभी सुने नहीं, जैसे और सुनते रहें और सुनते रहें। कथा में न जाने ऐसे चमत्कृति, ऐसे आनंद की एक अभिव्यक्ति जो कि ये कभी कभी किसी किसी वक्ता में ऐसे देखने में आता है, सब में नहीं। और कोई कोई बड़े बड़े पंडित भी है लेकिन कथा सुनो तो मन लो ऐसे मन होता है भाई चलो जल्दी चलो, बहुत काम है, हो गया है। पंडित, बड़े बड़े पंडित हम देखे हैं ऐसे, बड़े बड़े पंडित, दिग्गज पंडित, लेकिन कथा कहते हैं, कथा में कोई दम नहीं। और वो कथा सुन करके मन भी लगता नहीं, मन होता है अभी चलो 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 चलो, कथा तो नहीं, कथा नहीं है वो तो। सभी भगवत जो साधु संत हैं सब तो श्रवण किए हैं ना, वही कथा है। जैसे मान लीजिए रसोई करते हैं ना मैया लोग, वह औरों जो आश्रम में भी जो रसोई करते हैं, सामग्री क्या है बताइए,
वही हल्दी, जीरा, धनिया, आधा अदरक, गरम मसाला, और क्या भाई, और क्या दोगे तुम हैं? वही सब्जी। लेकिन जब रसोई होता है तो जा करके किसी किसी का रसोई ऐसे लगता है जैसे जीवन में खाए नहीं, इतने सुंदर। वही मसाला, वही तेल मिर्च मसाला सब कुछ दे करके, और वही तेल मिर्च मसाला दे करके कोई ने रसोई किया और खा करके वो खराब हो गया एकदम एकदम। अरे भाई वो तो बात तो एक ही, हल्दी मिर्च धनिया जीरा आधा गरम मसाला, भाई यही तो सभी, यही तो उपादान है ना रसोई का। लेकिन ऐसा क्यों नहीं, ऐसा किसी किसी में ऐसे चमत्कृति गुण है, हाथ में ही ऐसे गुण है जो रोशी करते हैं, बड़े अश्रद्ध होता है। ऐसे ही हरिकथा भी ऐसे ही है, कोई कोई भक्त के श्रीमुख से जो हरिकथा श्रवण करते हैं जैसे भीतर में प्रवेश करके अंतर को हिला देते हैं, हिलाने में समर्थ है, ऐसे ऐसे हरिकथा होती है। पहले तो साजा बाजा नहीं थी, साजा बाजा अभी जिससे मनोरंजन के लिए साजा बाजा गाना बजाना क्या जाने क्या 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 क्या, सिर्फ मनोरंजन करना है। डोंगरे जी महाराज हम वृंदावन में जब आए हैं, एक जगह कथा हो रही है, हम गए हैं जा रहे हैं, देखते सैकड़ों गाड़ी है ठाड़ी है, बगल में ही कथा हो रही है लेकिन कोई आवाज नहीं। मतलब भाई इतनी सैकड़ों गाड़ी ठड़ी है, कोई आवाज नहीं, क्या बात है, सुन रहे हैं कथा हो रही है, हरी कथा कहाँ हो रही है, बोलते बगल में ही हो रही है। कथा बाचक को ने डोंगरे जी महाराज, मैंने इतनी उनकी कथा में इतनी शक्ति जो कोई आवाज नहीं, कोई साजा बाजा कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपने गोपाल जी को सामने रखते हैं और कथा कहते हैं एकदम मंत्र मुग्धवत। जब तक वो कथा कहते हैं जैसे अमृत वर्षा हो रही है, ऐसे उनकी कथा में इतनी शक्ति, लाखों श्रोता डोंगरे जी महाराज के सतम था, वो शक्ति थी, अनुभवी थे, ऐसे अनुभवी होना चाहिए। सरग निरग वक्त दिविद परिकीर्ति सरग कामिलोलुप तत्कथरीद न संस्पृशेत उपदेश करतीव न आचरण करती अपरिक्षुपदिष्ट यत लोक नाशाय भवेत। ऐसे वो कहते हैं सरग निराग दो प्रकार वक्ता है, सरग कामिलोलुप देखते हैं मनोरंजन हो रहा कि नहीं, हमारे कथा आदर से लेते हैं कि नहीं, और मनोरंजन भी करना है, हमारे कथा में दम नहीं है तो क्या किया जाए, तो साजा बाजा नाना प्रकार गाना बजाना कैसी भी हो, अच्छे अच्छे कलाकार लाते हैं, बड़े बड़े कलाकार लाते हैं, उनके संगीत के ऐसे माधुर्य सुन करके बड़ा आनंद लगता है, आनंद आनंद लेना है ना, ऐसा ना कथा। तो सराग निराग वक्ता उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो जो प्रभु के इच्छा जो कहते हैं जो बुलाते हैं हृदय में प्रभु स्फुरित होकर के जो शब्द बुलाते हैं वो मंत्र मुग्धवा तो शब्द बोलते हैं, वो जानते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, हमको क्या कहना चाहिए, वो भाव में विभावित तो होकर के ऐसे कथा प्रवचन करते हैं जिस कथा श्रवण करके भक्त भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वो कथा में दम है, शक्ति है, वो कथा सुनने से तब जाके कल्याण होता है, सबके मुख से हरी कथा सुनने से तरी होता है, ऐसा नहीं। लेकिन अच्छे प्रवक्ता भी, अच्छे अच्छे महात्मा भी संगीत रखते हैं। अरे ये बात हम थोड़ी कह रहे हैं, आजकल तो जरूरत है, आजकल तो ऐसे ही हो गया, श्रोता भी हम जैसे श्रोता सराक श्रोता, उनको क्या भगवत से क्या मतलब है, थोड़ा आनंद लेना है, बैठे हैं क्या क्या प्रसाद बांटेंगे, क्या क्या कथा के बाद क्या क्या उनके ये मतलब है, उनको ऐसे बात नहीं है, अच्छे अच्छे अच्छा अनुभवी वक्ता भी है, अभी रखते हैं, अभी समय हो गया ऐसा, अभी ऐसे ही चाहिए श्रोता के लिए,
ऐसे बहिर्मुख जीवात्मा ज्यादा है, श्रोता जिनसे भगवत कथा से विशेष कुछ लेना देना है नहीं, वो जाते हैं थोड़ा सा आनंद प्राप्त करने के लिए। विक्षिप्त चित्त है, संसार में कोई शांति नहीं, सुनते हैं कथा में बड़ा आनंद है, चले जाते हैं, बैठते हैं, ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे अच्छे वक्ता तो है, ये बात नहीं कहती है। मेरा कहने का मतलब कभी कभी हम जैसे वक्ता मान लो ऐसे जो अनुभवी नहीं, वो शब्द में दम नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कहते सभी ऐसे हैं, अच्छे अच्छे अनुभवी संत हैं, ये तो भारत भूमि है, यहाँ तो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े अनुभवी हैं, ऐसे नहीं। तो ये गदाधर भट्ट जो गोस्वामी हैं, ये ऐसे ही एक वक्ता थे, ऐसे ही वक्ता। और इतना सुंदर पद रचना करती थी, उनके पद रचना दक्षिण भारत में बैठ करके पद रचना करते हैं, और उनका नाम फैल गया सारा भारत में, सारा भारत में नाम फैल गया। और ऐसे ही एक पद किसी भक्त ने आए हैं वृंदावन में, ये पद ऐसे हैं ना जो कि मैंने बंगाल में कोई पद करता, कोई संगीत रचना की किताब लिखे, हम आ गए हैं, आकर के वृंदावन में दिखा रहे हैं, देखो हमारे वहाँ बंगाल के ऐसे एक अच्छा पद करता। ऐसे ही कोई दक्षिण भारत से आए हैं वृंदावन में, चलो वृंदावन घूमने चले, तो ऐसे ही पद लेकर आए हैं तो जीव गोस्वामी के पास। जीव गोस्वामी उस समय भारत के सबसे बड़े पंडित हैं, अनुभवी हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं। महाप्रभु के पार्षदों के अंदर जीव गोस्वामी जैसे पंडित न पहले कोई हुआ ना भविष्य में कोई हो सकता है, ऐसे कहते हैं पंडित जन कहते हैं, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े पंडित जन ऐसे कहते हैं, इतने बड़े विद्वान अनुभवी। तो उसमें एक पद हाथ में आया जीव गोस्वामी पद के, वो तो पद तो हमारा याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मूल जो अनुवाद ऐसे हैं कि रे सखी मैं तो श्याम रंग में रंग गई, जो मेरे आंख से पलक के लिए वो श्याम कहीं जाते ही नहीं, मैं छोड़ भी नहीं सकती हूं और श्याम भी कहीं जाती नहीं, ऐसे मैं श्याम रंग में रंग गई। ये पद की मूल है। और फिर और पद में लिखते हैं जो रे सखी हमने सुनी है कि कोई श्याम गोचरण करने में जाते हैं जंगल करने के लिए, तो वो श्याम कौन है? अरे श्याम तो हमारे आंख में बैठ गई है, वो तो हमारे पलक की छोड़ करके कभी जाते ही नहीं, तो वो कौन श्याम है जो गोचरण करने के लिए जाते हैं? ऐसे पद में ऐसा था। तो ये सुन करके पढ़ करके जीव गोस्वामी दिखे थे इतने बड़े प्रेमी, बड़े अच्छे संत, रसिक संत हैं, ऐसे कहाँ दक्षिण भारत साउथ इंडिया में रह करके ऐसे वृंदावन भाव में विभावित, तो कृष्ण प्रेमी विभावित चित्त वृत्ति, ऐसे तो बहुत देखने में कम आता है। ऐसे भक्त अगर यहाँ आ जाए तो ऐसे भक्त संगों से हमको कितना आनंद होगा। उस समय वृंदावन में तो अभी का जैसे ऐसे हजारों वैष्णव, हजारों साधु संत, ऐसा तो उस समय थोड़ी था, दो चार ही आते थे, जंगल था, जो आते थे वो भी भजन करने के लिए ही आते थे, कोई सुविधा थी ही नहीं, खाने का पीने का रहने का कोई सुविधा नहीं। दिन में मुसलमान पीरियड था, अत्याचार करते थे साधु संत, तो देखने से मारते थे, पीटते थे, काटते थे, दिन में छुपे रहते थे बहुत जगह, ऐसे ऐसे बड़े कष्ट से भजन करते थे, जो आते थे सब भजन करने के लिए आते थे। संत संत कम है, जीव गोस्वामी देखते हैं ऐसे प्रेमी संत अगर वृंदावन में आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा, इनके संग में इनके सान्निध्य में रह करके हम भी एक कृष्ण प्रेम में पुलकित तो हो जाएंगे। तो एक उनके अनुजाई भक्त को एक, ये तो उतना पद नहीं जानते हैं, तो हिंदी पद
संस्कृत में एक श्लोक लिख के भेजे हैं। वो पद है ऐसा श्लोक संस्कृत में जे राधा रानी के चरण रस के आश्रय बिना, राधा रानी के चरण रस से समृद्ध वृंदावन की आश्रय बिना, वृंदावन की संत के संग बिना कैसे श्याम रंग में रंग गई, ये तो हमको समझ में नहीं आया। लिखे हैं संस्कृत में राधारण अल्लादिनी शक्ति राधारण के चरण आश्रय बिना उनकी चरण रज में विवाहित तो वृंदावन की चरण रज आश्रय बिना, वृंदावन में प्रेमी संत के संग बिना कैसे श्याम रंग में रंग गई। उन्हें ये पत्र लिख करके तुम जाओ, बड़े प्रेमी संत हैं तो दो भक्त को भेज दिए हैं, कवाली थे वो तो बड़ी प्रसिद्ध थी उस समय, चले गए हैं आंध्र प्रदेश में जहाँ रहते थे क्या एक तो गांव है उधर, वहाँ चले गए हैं जा करके प्रातः काल गदाधर भट्ट गोस्वामी दातन कर रहे थे साफी पहन के खाली बदन, स्नान करेंगे प्रातः स्नान करेंगे कुआ के पास बैठ करके भगवत चिंतन कर रहे हैं दातन कर रहे हैं। गृहस्थी हैं, कोई साधु वेश नहीं, कोई पहचान नहीं है। तो दो भक्त जा करके पूछते हैं जी इनसे ही पूछ लूं भाई गदाधर भट्ट कहाँ रहते हैं। तो गदाधर भट्ट से कहते हैं यहाँ गदाधर भट्ट जी कौन है, कहाँ रहते हैं आप जानते हैं। तो गदाधर भट्ट देखते हैं यहाँ हमको कौन पहचानता है, तो पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। हम वृंदावन से आए हैं, बस वृंदावन का नाम सुनते ही बस अश्रु कंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ एकदम अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं, एकदम देखते देखते एकदम वृंदावन का नाम सुनते ही एकदम लुढ़क गए। कैसे प्रेमी संत, भक्त लोग यहां से गए जाकर के देखते हैं भाई वृंदावन में तो हम लोग हैं लेकिन ऐसे प्रेमी भक्त बड़े दिव्य है, धन्य है धन्य है, हम भी धन्य है जो ऐसे भक्त का दर्शन करने का मौका मिल गया, उनके सानिध्य प्राप्त करने का मौका। वो भी प्रेमी भक्त है, वृंदावन से गए हैं तो फिर जब होश आए तो कहते हैं इस शरीर को ही कहते हैं गदाधर भट्ट, पत्र दिए हैं पर करके ओहो क्या शब्द, राधा रानी के चरण आश्रय बिना और राधा रानी के चरण रज से प्रसिद्धि जो वृंदावन रज वो रज के आश्रय बिना उनके प्रेमी भक्त के संग बिना कैसे श्याम रंग में रंग गई। तो वास्तव में मैं तो वो दिव्य वृंदावन दिव्य वृंदारण्य आहा जो तो हमारी कल्पना में है, कभी वहाँ जाने का हमको मौका मिला नहीं है। आहा ऐसे प्रेमी भक्त, ऐसे प्रेमी भक्त के संग मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। क्यों वृथा, क्या यहाँ बेकार के हम जीवन को नष्ट कर रहे हैं, समय देना उचित नहीं है, समय और ज्यादा नहीं है, चलो 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 अभी चलो तुरंत। उसी स्थिति में वो दातन करते करते वृंदावन को चल दिए, दातन करते करते ऐसा होता है वैराग। वैराग माने क्या, अनाशक्ति। वैराग माने ये थोड़ी है हिसाब करके विचार करके अच्छा घर छोड़ के जाएंगे तो वृंदावन में कहाँ रहेंगे, अच्छा वृंदावन में रहेंगे तो खाने का क्या भाई व्यवस्था है वहाँ, हम वैराग लेंगे, हम वैराग लेंगे भजन करेंगे। वृंदावन में रहने का क्या व्यवस्था है, अच्छा खाने का क्या व्यवस्था है, तुरंत उसी स्थिति में वहीं पर वही अंगोछा पहन के दातोन करते करते दातोन हाथ में चल दिए।
ऐसे प्रेमी संत, इसको कहते हैं वैराग। वैराग किया थोड़ी जाता है, वैराग हो जाता है। वैराग किया नहीं जाता है, वैराग हो जाता है। वैराग कब होता है? ना जब अनुराग होता है। जब कृष्ण चरण में अनुराग होता है तभी जाकर के ठीक ठीक वैराग होता है। जब अनुराग नहीं, वैराग थोड़ी होगा। जोर करके एक पेड़ का फल, कच्चा फल तोड़ करके कार्बाइड देकर पकाने से रंग तो आ जाएगा पीला, टेस्ट थोड़ी होता है उसमें, टेस्ट थोड़ी होगा, टेस्ट होता नहीं है। जैसे चैत महीना में कभी कभी देखा जाता है बाजार में आता है आम एकदम पीला रंग का। एक बार हमने ऐसा ठग गया, एक चैत्र बैसाख फागुन चैत्र में, हम बोले इतना पहले आम और इतने सुंदर रंग, पीला रंग, हमने बोले ले लिया एक फल खरीद लिया, भाई मुंह में दिया भाई इतना बेकार फेंक दिया ऐसे है। तो कापरा तो रंगा सकता है लेकिन मन थोड़ी रंगता है। जब मन रंगेगा तभी जाके वैराग होगा, जब अनुराग होगा तभी जाके वैराग होगा। उधर जितना अनुराग बढ़ता रहेगा दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति वैराग माने अनाशक्ति उतना होता रहेगा। ये फॉर्मूला है। इधर मन लगा नहीं, इधर मन हटा नहीं, ये है। रोशनी है नहीं तो अंधकार है। 0 पावर का रोशनी आया तो उतना ही अंधकार, थोड़ा सा गया। 40 पावर का बल्ब जल गया तो उससे और थोड़ा उजाला हो गया। फिर 200 पावर का बल्ब जला तो और उजाला हो गया। हेलोजिन लगा लियो तो और उजाला हो गया। ऐसे ऐसे ही जितना मन रंगता जाएगा ऑटोमेटिक मन से दृश्यमान देह दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनाशक्ति आ जाएगी। इसीलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जनतन पुकार न कृष्ण मनोनिवेशायत। कैसे भी हो मन को रंगाओ, मन को लगाओ, मन को लगाने का कोशिश करो। इधर तोड़ने का चेष्टा करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं, इधर तोड़ा नहीं जाता है, वो जाएगा नहीं। मन को रंगाने का कोशिश करो तो कैसे रंगेगा, ना बिनु सत्संग ना हरि कथा तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग कैसे, सत्संग न प्रेमी भक्त का संग, अनुभवी भक्त का संग। त्यागी, त्यागी माने विरक्ति, विरक्ति माने अनाशक्त, विरक्ति माने ये नहीं संसार से सब छोड़ छाड़ के आ गया विरक्त। विरक्ति माने अनाशक्ति। विरक्ति संसार में रह करके भी एक परम विरक्ति हो सकते हैं, कोई ये ना सोचे कि जंगल जाने से विरक्त हो जाता है। विरक्ति संसार में रह करके भी आप विरक्त हो सकते हैं। विरक्त माने दृश्यमान जागतिक देह दैहिक स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव इस भोग पदार्थ के प्रति अनाशक्ति, इसका नाम है विरक्ति। ऐसा है, ऐसे विरक्ति चल दिए हैं वृंदावन के लिए। फिर कैसे आए, कई दिन में आए, बहुत दिन में आए, आ करके ढूंढते ढूंढते आए हैं जीव गोस्वामी के पास। जीव गोस्वामी पास तो देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, छाती में भर लिए हैं। ऐसे प्रेमी भक्त के स्पर्श पा करके अश्रु कंपो पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ हो, ये अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं, धूल दूषित हो रहे हैं, वृंदावन में लोटपोट खा रहे हैं दोनों प्रेमी भक्त जीव गोस्वामी और गदाधर भट्ट गोस्वामी। आहा, दो प्रेमी भक्त के कैसे मिलन, अद्भुत मिलन है। तो फिर वृंदावन में रह गए हैं, उसमें दीक्षा भी लिए नहीं। गदाधर दीक्षा लेने के पहले इतने अनुराग बताइए, होता है ये पूर्व पूर्व जन्मजात संस्कार
लेकर के कभी कभी कोई जन्म लेता है, तो अरे ये तो पार्षद तनु है, ये तो महाप्रभु के पार्षद तनु है, इनका तो कहना ही क्या है, ये तो जन्म से ही वो प्रेम लेके ही जन्म लेते हैं, है ना। जैसे कोई कोई फल है, साधारणतः नियम क्या है, पेड़ में पहले फूल होता है फिर फल होता है, समस्त ऐसे ही नियम है समस्त वृक्ष का, लेकिन कुछ व्यतिक्रम है, जैसे पहले फल फिर फूल, फल लेके जन्म लेता है, जैसे लौकी, घिया, कोयला, तोरोई, झिंगा, धुंधुल, फिर आपका चिचिंगा कहते हैं बांग्ला में, वो पहले फल होता है और माथे में थोड़ा सा फूल दिखा हुआ होता है, फूल फल का कारण, फूल के कारण फल होता है ना, फूल होता है फूल के कारण फल होता है, लेकिन ये व्यतिक्रम, फल का कारण फूल ये व्यतिक्रम। ऐसा ही जो पार्षद तनु है, जो जन्म जात संस्कार, पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार लब्ध जो साधक हैं, वो ऐसे ही फल लेकर के ही जन्म लेते हैं। फूल एक माने साधना, एक दिखावा होता है, उनका प्रयोजन नहीं है साधना का, वो दिखावा होता है। जैसे गिया कोयला के मध्य में एक फूल रहते हैं ना, वो दिखावा, ऐसे है पार्षद तनु, तो जन्म सिद्ध ऐसे ही है, रह गए हैं जीव गोस्वामी के सान्निध्य में, दीक्षा लेंगे कहां से, दीक्षा लेंगे तो वहां गोविंद मंदिर में उस समय कथा प्रवचन करते थे महाप्रभु के पार्षद स्वरूप गोस्वामी के एक गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये तपन मिश्र के पुत्र, काशी में तपन मिश्र महाप्रभु के पार्षद, उनके पुत्र ये महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त किए हैं, जगन्नाथपुरी में बहुत दिन रहे हैं, महाप्रभु बड़े प्रेम से आदर करके इनको अपने कंठ के माला भी पहनाए हैं, माला भी दिए हैं, आखिर में उनको उपदेश किया है, माता पिता का अंतर्ध्यान के बाद रघुनाथ तुम वृंदावन चले जाना, जीव गोस्वामी आदि हैं वहाँ, तुम लोग सनातन रूप सनातन आदि के चरण सान्निध्य में रह करके तुम वृंदावन में रह करके दिव्य प्रेम रस लीला आस्वादन करना, जाओ वृंदावन में। तो उन महाप्रभु का आदेश लेकर ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए हैं, बड़े अमृतमय कथा प्रवचन महाप्रभु के पार्षद के अंदर, ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ऐसे एक वक्ता, माने उनके मुख से क्या जाने क्या अमृत, हरि कथा कहने के साथ साथ सब लोटपोट खा जाते हैं एकदम, जो कभी नेत्र से कभी अश्रुपात हुई नहीं वो भी अश्रु प्रभाव से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हैं, ऐसे प्रेमी, ऐसे उनके कथा में इतनी शक्ति, और ऐसे त्यागी वैरागी, ये तो है ही है महाप्रभु के पार्षद, तो देख करके बड़ा मन लगा, फिर जा करके जीव गोस्वामी पद से आग्रह किया जब हम ये इनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से मंत्र लिए हैं, मंत्र लेकर के भजन कर रहे हैं। इधर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अंतर्ध्यान हो गए, अब वहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, ये कथा कौन प्रवचन कौन करेंगे, अब ये गदाधर भट्ट गोस्वामी, इनके भी कथा में इतनी शक्ति, ऐसे दम, ऐसे एक शक्ति की एक स्रोत, जो शब्द में इतने दम, इतनी शक्ति, जो जो श्रवण करते हैं वो घर में जाना ही छोड़ देते हैं, दो दिन सुनेंगे तो घर बार छोड़ करके वहीं आके पड़े रहते हैं, भजन करते हैं ऐसे। तो जीव गोस्वामी आदि भैया हमारे कथा प्रवचन तो रोज होना चाहिए, ये कथा प्रवचन करने के लिए चलो ये गदाधर भट्ट गोस्वामी को इनको ही यहाँ स्थापना की जाए, ये कथा प्रवचन करेंगे। तो गदाधर भट्ट गोस्वामी तब से गोविंद मंदिर में जो बड़े प्रांगण है वहीं वहीं पर कथा प्रवचन करते हैं प्रतिदिन। तो वहां आते थे बहुतों भक्त आते थे, तो वहां एक राजपूत ब्रज का ही एक राजपूत जाति, कल्याण सिंह नाम से एक व्यक्ति क्षत्रिय, वो
आए हैं सुनने के लिए, उनकी कथा सुनने उनके भीतर परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया। अब घर जाते हैं, स्त्री से कोई संभाषण नहीं, पुत्र परिवार से कोई संबंध नहीं, थोड़ा बात करते हैं, ये करते हैं, फिर चले जाते कथा सुनने, उदासीन हो गए हैं। ऐसे देख करके उनकी पति पत्नी जो है बहुत दुखी हो गई जी। कारण क्या है, कारण क्या है, हमारे पति ऐसे कैसे बदल गई है। खबर लिए हैं जो वहां कथा में जाते हैं गोविंद मंदिर में, वहां गदाधर भट्ट गोस्वामी जो हैं उनके सान्निध्य में रह करके उनकी कथा श्रवण करके इनके अंदर ऐसे वैराग आ गया। तब पति को बहुत समझाए ये किए, लेकिन जिसके मन कृष्ण रंग बिरंग गया उसके मन विषय क्या थोड़ी उसका आकर्षण कर सकता है। जब तक मन रंगा नहीं तब तक ही वो आकर्षण कर सकता है। अब रंग गया तो अच्छा लगता नहीं, पत्नी कहने से क्या होता है, मन रंग गया क्या करें। जोर करके वैराग होता है, जोर करके प्रेम थोड़ी होता है, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण प्रेम हो जाता है, लेकिन अनुशीलन करते करते ऐसे महत पुरुष के सान्निध्य में रह करके, महत सेवा में रह करके, महत श्रीमुख से हरि कथा अमृत अमृतमय कथा श्रवण करते करते फिर जाके उसको ये प्रेम प्राप्ति होने का संभावना रहती है। तब जाके ये हरि कथा श्रवण करके ऐसे प्रेम उत्पन्न होता है। तब क्या करें, उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गई। दुखी होकर रास्ते में एक भिखारी, एक अल्प उम्र की एक महिला, बहुत दरिद्री, संतान संभवा, लेकिन महिला थोड़ा स्वभाव में भी थोड़ा खराब थी। वो महिला को बुला के लाया, बहुत समझाया, तू एक काम कर, तेरे को बहुत पैसा देंगे, क्या करना है न कुछ नहीं, तू सिर्फ जाना वहाँ कथा में जाकर के, तू जाके ये कहना जे तुमने हमारे बहुत तो कल्याण किए, अब हमारे तरफ देखो तो, हमारे इस स्थिति में तुमने रख करके तुम यहाँ आके कथा प्रवचन करते हो, हमारे तरफ तो थोड़ा देखो, बस इतना कह करके तू चले आना। माने उनकी उद्देश्य है जो इनका भारी बदनाम हो जाएगा, फिर हमारे पति भी उनके पास नहीं जाएगा, जी ये तो साधु नहीं है, तो बेकार है, ऐसे हैं ऐसे हैं सब। और क्रोध भी है मन में जो हमारे पति को इस तरह से संसार से मन मनोवृत्ति को हटा करके उनके अपने कथा में ऐसे खींच लिया, तो प्रतिशोध लेने का भी एक भीतर में एक जलन। तो महिला ने पहले तो मना किया, फिर बोलते नहीं ले, तू 20 रुपया दिया। मैंने उस समय का 20 रुपया मैंने बहुत पैसा, बहुत रुपया, हजारों रुपया, 20 रुपया उसके लिए। तो 20 रुपया पा करके वो तो बहुत सोचे हैं, भाई क्या है 2 मिनट का, दो शब्द ही तो कहना है, कथा कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा कहने का बाद फिर अच्छा आज की कथा ही समाप्ति, अच्छा महाप्रभु की कृपा होने से फिर काल हम लोग फिर आस्वादन करेंगे, जय जय श्री राधे। इतना में महिला कह रही है, हाँ सुनो सुनो, तुमने बहुत कथा कह लिया, ठीक है, अच्छा है, हम भी तुम्हारे कथा में इस तरह से आए, हमारे जो स्थिति दशा, अब इस विषय तो थोड़ा चिंता करो, यहाँ तो कथा तो कह रहे हो अच्छा है, हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दो, हमारी ये दशा तुमने किया और हमारे तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं। गोस्वामी देखते एक युवती महिला संतान संभवा अंतसत्ता, ये क्या कह रही है, पहले तो घबरा गई, ये क्या कह रही है, चुप हो गए सब श्रोता, सब शांत। अद्भुत एक खबर, अरे ये सब कोई जानते हैं वृंदावन का गदाधर भट्ट गोस्वामी, इनके ऐसे कलंकित तो जीवन, ये तो चिंता की अगम्य है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये महिला कह रही है,
गदाधर भट्ट गोस्वामी कुछ समझ गए जो प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा। लोग भक्तों जो आप भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं तो हर स्थिति में प्रभु की कृपा ही जानते हैं, घबराते नहीं है। दुख से अनंत विघ्न मना सुख से विगत स्प्रिया बीतरा गये क्रुदा स्थित धीरे मुनि रोचते समदुख सुख समलस्य सकांचन प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र विपक्षय सर्वरम्भ परित्यागी गुणातीत शौचति। ये स्थिति में वो जानते हैं प्रभु के इसमें कुछ मंगल है, प्रभु की इच्छा बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है, ये थोड़ी ऐसा हो सकता है। प्रभु तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा, सुनो तुम चिंता नहीं करना, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम चिंता नहीं करना, तुम जाओ सब व्यवस्था हो जाएगी, घबराना नहीं, जाओ तुम जाओ। अब ये शब्द सुन करके समस्त श्रोता भी हैरान, वहां पर बैठे थे राधा बल्लभ नाम के एक भक्त, वो थोड़ा ढींगरा टाइप के थे, वो सोचे बात तो भाई साधारणी थी, तुम डाल में कुछ काला है ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो जो भजन करते हैं, जो अनुभवी हैं, जिसके कथा में अश्रुपात होती है, जो कृष्ण कथा में अश्रुधारा बहाती है, हैं? जो समर्पित चित्त हैं, जो वृंदावन रस को आश्रय किए हैं, क्या उनके भीतर ऐसे हीन प्रवृत्ति कभी हो सकती है? भोग और जोग दोनों एक साथ थोड़ी होता है, या तो भोग या तो जोग, दाल में काला है वो कुछ नहीं, कहीं महिला जा रही है पीछे 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 गई है, एकांत में जब देखे कोई नहीं है, ऐ रुक जा चक्कू निकाल यहां से, तेरे पेट फाड़ दूंगा, तेरी पेट फाड़ दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, दुष्टा बोल सही बता, तेरे को किसने भेजा, आ भी मार दूंगा तेरे को, कोई नहीं है एकांत में मिल गया, पर देखो जान अरु सब बता दे, बता रही हो, बता जल्दी बता। तो उनके जो कल्याण सिंह की पत्नी, उनका नाम लिया, उसने हमको 20 रुपया दिया, दे करके हमको भेजा है, भेज करके तब जा करके हमने ये किया, माफ कर दो हमको, जो हम गरीब आदमी हैं, हम बच्चा का चल के पीते हैं, क्या करेंगे, 20 रुपया दिया है, 20 रुपये के लालच में हमने ऐसा किया है, आप नहीं करोगे ऐसा करके। तब आ करके सब श्रोता को समझाया जी ऐसा नहीं है, महात्मा है ऐसे नहीं है, ये पहुंची है संत है ऐसा नहीं, जो इनकी कथा में इतनी शक्ति है इतने दम है, वो क्या कभी इतने भ्रष्ट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तब सब समझ गए हैं, फिर जाके सब शांत हो गए हैं, कल्याण सिंह भी समझ गए हैं जो हमारे पत्नी के करतूत ऐसे हैं, जब कोई बात नहीं हो तो गया। तो ऐसे दयालु थे, एक दिन क्या हुआ, गदाधर भट्ट गोस्वामी के घर चोरी करने आए एक चोर, और गदाधर भट्ट गोस्वामी तो देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, देखो जो कृष्ण भक्त है वो कहाँ सोते हैं, भक्त तो प्रेम में विभावित हो तो रात्रि में थोड़ी सोते हैं, उनका मन रहता है भगवत चरण में, निद्रा का प्रकोप तब तक जब तक भगवत चरण में ऐसे मति नहीं, जब वो मति हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक भाव से उनके भीतर वो निद्रा दिखने में आता नहीं, खूब कम होता है, कम हो जाता है, ऐसे आनंद रस उनको मिलता है जो निद्रा रहती नहीं है। एक निद्रा होती नहीं जिसका खूब टेंशन है, उसको रात में निद्रा नहीं, और एक निद्रा नहीं जो बड़े आनंद प्राप्त करते हैं, जो कृष्ण रस में रंग गए वो आनंद प्राप्त करते हैं, वो भी सोते नहीं। हमारे गुरुदेव थे, कभी हमने एक सेकंड के लिए कभी सोने के लिए हमने निद्रित हमने देखा नहीं, हम बाबा के पास सोते थे रात भर, दिन रात बाबा के साथ रहते थे, बाबा के बगल में सोते थे, हम कभी हम देखा नहीं, माने हमारे मन में ऐसे संदेह होता कि बात जागे हैं ना सोए हैं, क्या वास्तविक सोते हैं ना जाग, थोड़ा देखो तो
कभी एक बजे उठ करके बाबा के पास जा करके इतनी छोटी आवाज जो जागे रहने से ही वो सुन पाएगा, नहीं तो सुन नहीं पाएगा। जंगल में मन गिरी रास्ता रटी में बाबा और हम हैं, बाबा इतनी छोटी आवाज माने जो जागे हैं वही सुनेगा, थोड़ा सा भी नींद थोड़ा सुनेगा नहीं, बाबा तुरंत तो कोई तकलीफ नहीं तो ना ना ठीक है ठीक। फिर कभी दो बजे बाबा कभी अब ऐसा उचित नहीं गुरुदेव को परीक्षा करना, लेकिन हमारा मन कभी कभी ऐसा हमको संदेह होता कि दिन रात कभी सोते नहीं है, कभी सोते दिखा नहीं है, ना दिन ना रात। ऐसे है जो प्रेमी भक्त हैं, जो दृष्टा पुरुष हैं, जो कृष्ण रंग में रंग गया, जिनकी चित्त वृत्ति निद्रा कहाँ, ये तो हम जैसे साधक के लिए निद्रा है। जहाँ वहाँ पहुँचे नहीं, जहाँ प्रेम कोई स्पर्श नहीं, चित्त वृत्ति कठोर है, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, लोभ लालसा दम्भ अभिमान मान प्रतिष्ठा आदि है, तब तक कहाँ, तब तक तो निद्रा ही निद्रा, निद्रा ही अच्छा लगेगा। मैं अपनी बात कह रहा हूं, हमारे जो दुर्दशा है वो मैं प्रभु कहना है। तो वो तो जागे हैं और वो चोर क्या कर रहे हैं, अपने पुटली पटला गठली बंद करके बाहर लेकर के अब चलेंगे चोर, कदर पट देख रहे हैं। अब वो चोर की गाठी ज्यादा बड़ा हो गया, वो उठा नहीं पा रहा है, ऐसा कर रहे हैं। बहुत समय से ऐसे वो चेष्टा कर रहा, गाठरी उठा ही नहीं पा रहा। गदर भुट्टो गोस्वामी में आस्ते आस्ते जा करके उनके सामने अंधकार तो नहीं, नहीं भाई पकड़ 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 गाठरी उठा रहे हैं, वो चोर एक तरफ पकड़े हैं, गदर भुट्टो एक तरफ पकड़े, ले पकड़ उठा 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 माथे पे उठा जा। अरे ये कौन है भाई हमारे गाठरी को उठा रहे हैं, हमारे जैसे कोई चोर पोर होगा शायद, भाई तुम कौन हो, वो सोचा हमारे जैसे कोई चोर पोर होगा, इतना रात में आ गया हमको हेल्प कर रहा है, चोर छोर के कौन हमको हेल्प करेगा, पर तुम कौन हो, अरे मैं गदाधर भट्ट हूँ। गदाधर भट्ट सुन करके उसका पटक दिया, अरे भाई तुम चिंता मत कर, तू ले जा, नहीं तो आप रोना पीटना शुरू कर दिया, पंप पकड़ करके हमसे गलती हो गया गलती हो। अरे भाई तू ले जा, हमारे लिए ऐसा बहुत आ जाएगा, हमारे बहुत भक्त है, हमारे कमी थोड़ी है, आ जाएगा तो क्या है, तेरा तो भाई यही धंधा है, हमारा तो बहुत धंधा है, हमारा तो धंधा बहुत है, बहुत भक्त है, बाबा कोई सेवा बाबा कोई सेवा, तेरा तो भाई एक ही धंधा है, ले जा ले जा ले जा। तो जा करके वो तो चोर तो लिया नहीं, फिर उनके चरण में पड़ करके क्षमा दर्शन करके चोर भी आ गया उनके शरण में, जो बाबा हमको कृपा करो दया करो, ऐसे महात्मा ऐसे कथा दर भट्ट गोस्वामी उनकी अद्भुत उनके कथा अलेख्य है। उनके श्रीमुख से जो कथा श्रवण करते थे, ऐसे ऐसे जो दुष्ट प्रकृति के ऐसे भी मनुष्य हैं जो कथा श्रवण मात्र ही उनके हृदय एक आनंद के प्रवाह में ऐसे बह जाते थे, उनके भीतर सब अवगुण नष्ट होकर के गदाधर भट्ट जी के शरण में आ जाते थे, ऐसे महान पुरुष। तो फिर उनके अंतर्ध्यान कब हुआ इस संबंध में स्पष्ट कुछ मिलता नहीं है, वृंदावन में इस तरह से उनकी समाधि है, अपने माइक शरीर को त्याग करके नित्य धाम प्रवेश किया है। उसकी कथा ही विश्राम, फिर काल फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।